हर किसी हिंदू धर्म के घर में एक ना एक इष्ट देव होते हैं या फिर देवी होती हैं। हिंदू धर्म में इतने देवी देवता हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। सैकड़ों भगवान से बना ये शक्तिशाली धर्म एक अपने आप में दुनिया का सबसे पवित्र धर्म है। लेकिन इस धर्म में सब घरों में एक मंदिर होता है और ऐसा होना आवश्यक भी है, क्योंकि जैसे रोज सुबह उठकर नमाज पढ़ी जाती है मुसलमान भाइयों द्वारा, वैसे ही हिंदू धर्म में सुबह नित्य कर्म से मुक्त होते ही सबसे पहले स्नान कर भगवान को अगरबत्ती या दिए से पूजा की जाती है, फिर ही घर का दिन प्रारंभ होता है। और ऐसा होना आवश्यक है, वो भी हर घर में होता है। भारत देश में सबसे अधिक मान्यता माँ दुर्गा, गणपति जी, शिव, हनुमान, विष्णु और माँ काली आदि देवी देवताओं की जाती है, क्योंकि ये कुछ देवी देवता हैं जो कि अधिक घरों में कुल देवी देव हैं या फिर इष्ट देव कह सकते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वो ही हमारे लिए उत्तम है और जिन्हें हमारे पूर्वज पूज रहे थे वो ही हमारे इष्ट देव हैं। लेकिन बाकायदा ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि असल में इष्ट देव वो होते हैं जिनके प्रति इंसान का सबसे अधिक लगाव होता है। जैसे कि कई लोगों को भगवान शिव के प्रति अधिक प्रेम होता है तो उनके इष्ट देव शिव माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सभी देवी को पूजने की जगह यदि इष्ट देव को पूरे तन मन से पूजा जाए तो वह सभी देवी देवताओं को पूजने समान होता है। बाकी देव के मुकाबले इष्ट देव की कृपा इंसान के ऊपर अधिक होती है। सबसे अधिक लाभ मिलता है तो वो है भगवान कृष्ण के और शिव के प्रति भक्ति रखने वाले लोगों को, क्योंकि ये दो भगवान ऐसे हैं, ये दो ऐसे देव हैं जो हर भक्त की पुकार सुनते हैं और हर किसी के चहेते भी होते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।